नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट करे पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी प्रॉपर्टी यानी अपनी जमीन के ऊपर किसी भी बैंक का एटीएम कैसे लगवा सकते हैं और एटीएम लगवाने के लिए कंपनी के क्या क्या नियम हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और एटीएम लगवाने के लिए कितनी जमीन आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों साथ ही यह भी जानेंगे कि एटीएम लगवाने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी कंपनियां एटीएम लगाती है, यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एटीएम के बारे में। तो दोस्तों आपको एटीएम के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि दोस्तों यदि आपने कभी अपना एटीएम यूज किया है या किसी दूसरे को एटीएम यूज करते देखा है तो दोस्तों आपको एटीएम के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अब एटीएम की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों आपको लगता है कि आपके एरिया के अंदर अच्छे एटीएम है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया के अंदर लगभग 6 से 7 हजार लोगों पर एक एटीएम है, यानी इंडिया के अंदर एटीएम की कमी है। और दोस्तों बैंक धीरे धीरे अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और जगह जगह पर एटीएम प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कस्टमर को यदि अच्छी फैसिलिटीज देंगे तो अच्छे से अच्छे कस्टमर होंगे उनके और उनको भी अच्छा प्रॉफिट होगा। और दोस्तों बैंक चाहता है कि उनकी बैंक के अंदर कम से कम भीड़ हो और कस्टमर को बाहर ही अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, इसलिए दोस्तों बैंक आज इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और बहुत सी एप्लीकेशन है दोस्तों जिससे आप अपनी पेमेंट की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी के पास पैसे भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप एटीएम से बिना बैंक जाए पैसे भी निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों बैंक यही चाहता है कि बैंक के अंदर कम से कम भीड़ हो और अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, इसलिए दोस्तों धीरे धीरे बैंक अपने एटीएम की संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास अपनी खुद की जमीन है या कोई दुकान है ऑन रोड, एटीएम लगाने वाली कंपनी से कॉन्टेक्ट करके अपनी जमीन के ऊपर एटीएम लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ कंपनी के रूल है और कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आगे हम वीडियो के अंदर धीरे धीरे जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आप किसी भी बैंक का एटीएम लगवाना चाहते हैं तो क्या क्या नियम है, यानी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या कंपनी के रूल है। तो दोस्तों यदि आप किसी भी बैंक का एटीएम लगवाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 50 स्क्वायर फीट से 80 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। और दोस्तों स्पेस ग्राउंड फ्लोर और गुड विजिबिलिटी वाली जगह होना चाहिए, यानी आपकी जगह ऑन रोड होनी चाहिए जहां तक कस्टमर आसानी से के और वहां ज्यादा से ज्यादा लोग एटीएम का यूज करते होने चाहिए। और दोस्तों आपकी जगह पर 24 घंटे बिजली की फैसिलिटीज होनी चाहिए और हर दिन कम से कम 100 एटीएम ट्रांजैक्शन उस लोकेशन पर होनी चाहिए, यानी आप जहां भी एटीएम लगवाना चाहते हैं उस जगह पर कम से कम 100 ट्रांजैक्शन प्रतिदिन होनी चाहिए, तब भी बैंक उस जगह पर एटीएम लगवाएगा, वरना बैंक उस जगह पर एटीएम नहीं लगवा सकता। और दोस्तों एटीएम की जगह में कंक्रीट की छत होनी चाहिए, यानी यदि आप अपनी दुकान के अंदर एटीएम लगाना चाहते हैं तो पहले यह सर्वे करके चेक किया जाएगा कि आपकी दुकान की छत और सब चीज ठीक है, उसके बाद ही आपकी दुकान के अंदर एटीएम एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और दोस्तों दो एटीएम की बीच की दूरी कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए, आपकी लोकेशन के ऊपर अच्छी साफ सफाई और अच्छा इलाका होना चाहिए जहां पर अच्छी ट्रांजेक्शन हो। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स थे जो एटीएम लगाने वाली कंपनियां सर्वे करते टाइम देखती है कि आपकी लोकेशन अच्छी है, अच्छी ट्रांजैक्शन है आपके एरिया के अंदर और आपकी लोकेशन के ऊपर अच्छी बिजली की फैसिलिटीज है, तो आप आसानी से एटीएम लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनियां एटीएम एस्टेब्लिश करती है, यानी कौन कौन सी कंपनियां एटीएम लगाती है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें, यदि आप अपनी किसी दुकान या अपनी जगह पर एटीएम लगवाना चाहते हैं, यानी अपने घर या दुकान या कहीं भी एटीएम लगवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको बैंक से कॉन्टेक्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोस्तों बैंक खुद एटीएम नहीं लगाता और वह किसी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू एटीएम लगवाते हैं। तो दोस्तों यदि आप किसी भी बैंक का एटीएम अपने जगह पर लगवाना चाहते हैं तो भारत के अंदर प्रमुख 3 कंपनियां हैं जो एटीएम एस्टेब्लिश करती है। सबसे पहली है टाटा इंडिकैश एटीएम, दूसरी है मधुट एटीएम और तीसरी है इंडिया वन एटीएम। ये 3 कंपनियां दोस्तों जो इंडिया के अंदर एटीएम एस्टेब्लिश करती है। तो दोस्तों यदि आप किसी भी बैंक का एटीएम लगवाना चाहते हैं तो इन कंपनियों से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और इन कंपनियों से कॉन्टैक्ट करके ही आप अपनी जगह पर एटीएम एस्टेब्लिश करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप अपनी जगह पर एटीएम एस्टेब्लिश करवाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों आपके पास अपने जमीन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर टाइटल और एड्रेस लिखा
होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, यानी आपके पास अपनी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपके फोटोग्राफ्स होने चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो दोस्तों कोई भी आवेदक जो एटीएम लगवाना चाहता है तो उसके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अपनी जमीन से जुड़े पर्सनल डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। वह कंपनी सब डॉक्यूमेंट चेक करती है, उसके बाद ही एटीएम की एस्टेब्लिशमेंट आपके एरिया के अंदर करती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एटीएम लगवाने पर आपका कितना रेंट दिया जाता है, यानी आपकी कमाई कैसे होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कंपनियों के अलग अलग रूल है, यानी कुछ कंपनियां दोस्तों आपको आपकी जगह का रेंट देगी, यानी आपको एक फिक्स रेंट देगी 15,000 से 30,000, यानी कोई ऐसा एरिया जिसके अंदर भीड़ भाड़ ज्यादा है और वहां जमीन ज्यादा महंगी है तो आपको 30 से 50,000 तक भी किराया दे सकती है। लेकिन दोस्तों आपको एक लोकल एरिया के अंदर जहां भीड़ भाड़ कम है और कम ट्रांजेक्शन उस एरिया के अंदर आपको 15,000 से 20,000 रुपए तक कंपनी रेंट देगी। और दोस्तों कुछ कंपनियां ट्रांजेक्शन के ऊपर कमीशन देती है, यानी कि यदि आपके एरिया के अंदर 100 से ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो कंपनी आपको ज्यादा से ज्यादा कमीशन देगी, और कम ट्रांजेक्शन है तो दोस्तों आपको कम कमीशन देगी। तो दोस्तों कंपनी के अलग अलग रूल है। यदि आप किसी भी बैंक का एटीएम लगवाना चाहते हैं और किसी कंपनी के थ्रू लगवा रहे हैं तो दोस्तों आप एक बार उस कंपनी से कॉन्टेक्ट करें, उससे सब पता कर लें कि कंपनी कमीशन देती है या रेंट देती है, उस हिसाब से आप कंपनी से पूरी पूरी जानकारी लें। दोस्तों आप कंपनी के टोल फ्री नंबर से कॉल करके ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप अपनी जगह पर एटीएम लगवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप एटीएम लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों हमने तीनों कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप वहां से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ देने पड़ेंगे, और दोस्तों आपको 30 से 35 सेकंड का वीडियो आपकी लोकेशन का बनाकर कंपनी तक पहुंचाना होगा। उसके बाद ही दोस्तों कंपनी आपके लोकेशन पर सर्वे करके एटीएम एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, वरना दोस्तों कंपनी के बहुत से रूल है, इन रूल को फॉलो करना पड़ेगा और सभी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आप एटीएम एस्टेब्लिशमेंट करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जैसे दोस्तों हमने पहले बताया कि आपको सभी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहां से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे दोस्तों हम आपको अलग अलग वीडियो अवेलेबल करा देंगे और सभी के फॉर्म अप्लाई करके दिखा देंगे कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्टक्रे पर जाकर इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस फ्रेंचाइजी या योजना से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।